भारत के गौरव और स्वाभिमान की गरिमा अयोध्या में हो रहे रामलला विग्रह प्राण प्रतिष्ठा। वाराणसी के सामने घाट हरिओम नगर स्थित पैनियर मॉडल स्कूल के प्रबंधक संरक्षक गौसेवक डॉक्टर चंद्रमा सिंह के नेतृत्व में विद्यालय परिसर में शिक्षकों छात्रों एवं अभिभावक जनों ने दीप जलाकर व मिठाई बांटकर इस महोत्सव को मनाया। उक्त अवसर पर डॉक्टर चंद्रमा सिंह ने बताया कि सभी हिंदू जनमानस और सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। सभी को जय श्री राम। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। महोदय जी अपना शुभ परिचय बता दें। डॉक्टर चंद्रमा सिंह संरक्षक राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा सेवा एवं पैनियर मॉडल स्कूल एंड पैनियर गर्ल्स एकेडमी। डॉक्टर साहब 22 जनवरी का अवसर है, संपूर्ण विश्व और पूरे भारत में सब इवेंट्स हो रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में क्या आज आपके भी कुछ यहाँ के साथ चीजें? देखिए आस्था का एक केंद्र है मंदिर, इसमें ईश्वर के रूप में आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी ने किया, जो ही बहुत ही रही। लेकिन ईश्वर के रूप तो अनंत है, ईश्वर हर व्यक्ति के स्वर में, ईश्वर आत्मा के रूप में एक विराजमान है, तो परमात्मा का एक अंश है। और प्रभु या ईश्वर शक्ति जो है अदृश्य है, और हम इसको कहें तो शक्ति जो है प्रभु की अदृश्य है, जो कभी दिखती नहीं है किसी भी इंसान में। और जो शक्ति है उनकी, ईश्वर की जो शक्ति, वही पूरे विश्व को संचालित करके चला रही है, और वह शक्ति हर व्यक्ति में है। ईश्वर भी है, आत्मा भी है, वह शक्ति भी है जो हर व्यक्ति में है। लेकिन हम उसको जो है खुदा से ज्यादा खुद पर विश्वास करें तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मंदिर एक आस्था केंद्र ही है, हम लोग उसमें जाते हैं, बैठते हैं, स्मरण करते हैं, प्रभु को ध्यान करते हैं। और प्रतिदिन मनुष्य के जीवन की दिनचर्या सफाई से शुरू होती है। सुबह उठ करके व्यक्ति जो है स्नान ध्यान वाशरूम सारी चीज़ें, मुंह का सफाई, शरीर की सफाई कर लेता है, फिर अपने कामों में लग जाता है। तो हम सुबह से लेकर शाम तक फिर काम में लगे रहते हैं, लेकिन मन की सफाई नहीं कर पाते, जो अति आवश्यक है। तो प्रथम दिनचर्या की शुरुआत सफाई से होती है, और रात होते होते तो पूरी गंदगी फिर हम अपने ऊपर ले लेते हैं और मन की सफाई कर ही नहीं पाते, फिर सुबह अपने उसी दिनचर्या में लगे रहते हैं। तो सफाई मन की होनी चाहिए, और उस शक्ति को हमें पहचाननी पड़ेगी। हर व्यक्ति में जो शक्ति है, उस शक्ति को हमें पहचाननी पड़ेगी। वो शक्ति हमारे अंदर है, हम ईश्वर के रूप हैं, और खुदा से ज़्यादा उस पर खुद पर विश्वास करे व्यक्ति, यानी कि जो संत होता है वो ईश्वर का एक मार्गदर्शक होता है। तो उन्हें खुदा से ज़्यादा खुद पर विश्वास होता है, इसलिए वो अपने आप को संत मानते हैं और बताते हैं हम संत हैं, हमारी बातों का मानिए, अनुसरण करिए।